फोर ईयर्स से मुझे पेन हो रही थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं घर में काम नहीं कर पा रही थी। तो मेरे बच्चे भी परेशान हो गए, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है मेडिसिन खा रही हूँ तो मुझे रिलीफ हो रहा है, जैसे मैं छोड़ रही हूँ 4-5 दिन के बाद मुझे फिर वही सब हो रहा है। तो ये सब फिर भी उठ के बंदा थोड़ा बहुत कर लेता, लेकिन उससे ज़्यादा पेन बढ़ती जा रही थी। नमस्ते, मेरा नाम परमजीत कौर है, मैं लुधियाने में रहने वाली हूँ, मैं JNK से बिलोंग करती हूँ। मुझे कमर में बहुत पेन हो रही थी, एज लाइक 4 ईयर्स से मुझे पेन हो रही थी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं घर में काम नहीं कर पा रही थी। तो मेरे बच्चे भी परेशान हो गए, मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान हो गए, जिनको टाइम टू टाइम फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही थी मैं एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो कि डॉक्टर हमारे एरिया के ही थे, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, जो कि मैंने 1-2 हफ्ते खाई, एज लाइक मुझे ऐसा लग रहा है मेडिसिन खा रही हूँ तो मुझे रिलीफ हो रहा है, जैसे मैं छोड़ रही हूँ 4-5 दिन के बाद मुझे फिर वही सब हो रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसा लगा कि मैं अपने पेन में मूव लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, जैसे घर में हम करते हैं, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, छोटा मोटा कर लें जिससे हमें रिलीफ मिलेगा। तो मैंने भी वो सब किया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब फिर भी उठ के बंदा थोड़ा बहुत कर लेता, लेकिन उससे ज़्यादा पेन बढ़ती जा रही थी। तो फिर एक दिन मुझे मेरे नेबर्स ने कहा कि आप शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर चेक कराओ, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च मारा, तो वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स थे जिन्होंने कहा हमें रिलीफ मिल गया, हम बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मैंने उनको दिखाया, डॉक्टर की बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात की, सारे उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दिए, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सारे टेस्ट वगैरह किए, सब कुछ किया, रिपोर्ट्स आई, तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ की मेडिसिन दी और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये मेडिसिन लो, अपनी डाइट प्लान चेंज कर दो, और मुझे जैसे फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दिया, जो कि आप सुनते ही उनका नुकसान वैसे ही होता है, कम खाना चाहिए, तो उन्होंने मुझे टोटली बंद कर दिया। तो उसके बाद 15 दिन बाद मुझे बहुत रिलीफ महसूस हुई, जो कि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बेटर हूँ पहले से। तो फिर मैं उनके पास दोबारा गई, उन्होंने मेडिसिन मुझे दी, उन्होंने कहा आप 2 मंथ्स से मेडिसिन लेनी है आपने। तो मैंने 2 मंथ्स वो मेडिसिन ले ली, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ उसका, जो कि मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी और मैं अचानक से उठ गई, और मैंने अपने सारे बच्चों का काम, हस्बैंड का सारा कुछ, टिफ़न वगैरह उनको टाइम टू टाइम देने लगी, तो मुझे भी बेटर महसूस हुआ। तो फिर उसके बाद 2 मंथ्स की मेडिसिन ख़त्म हो गई, तो फिर मैं दोबारा गई, उसके बाद मैंने उनकी 6 मंथ्स की मेडिसिन खाई और साथ में लाइट योगा बताया, जो कि मैं कभी करती नहीं थी, बट मुझे लगता कि योगा के फ़ायदे भी हैं। तो उसके बाद मैंने जब वो मेडिसिन 6 मंथ खाई तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर महसूस हुआ, जो कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, तो आई फील रिलैक्स नाउ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि आप भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, टेस्ट वगैरह जो भी होता है वो आपके बेटर जो हेल्थ है उसके लिए ही होते हैं। तो आप शारदा जी के पास जाइए और वहाँ पे जाके आप जो अपना ट्रीटमेंट कराइए, तो आपको बहुत बेटर महसूस होगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी डॉक्टर शारदा जी से जाके कंसल्ट करें, उनसे मेडिसिन लें, उनसे अपना इलाज कराएं, जो कि इलाज आपका बीमारी आपकी 10 साल पुरानी हो, किसी की 5 साल होती है, किसी की कितनी होती है, बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपकी वो बीमारी ठीक कर देंगे। तो उनकी मेडिसिन ही है आयुर्वेदिक के पहले, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप उस पर भी बिलीव कर सकते हो। तो आप उनसे जाके कंसल्ट कर सकते हो, और मैं कहती हूँ जैसे मैं ठीक हो गई हूँ तो आप भी ऐसे ही ठीक हो जाओ। तो मेरे आपके लिए प्रे भी है ये सब, कि जैसे मुझे उनकी मेडिसिन लगी आपको भी लग जाए। तो उनकी मेडिसिन बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और उनसे ही कंसल्ट करिए। थैंक यू।